अभी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, हम आज पूरी बात बोलेंगे क्योंकि आपने हमें छेड़ा, उन्होंने भी छेड़ा, लेकिन वो हमारे, हम उनके सपोर्ट में हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे, हम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सपोर्ट में हैं, क्योंकि वो कम से कम जो तांत्रिक दुनिया ओझा है उनको सबक तो सिखा रहे हो। हम भी यही काम कर रहे हैं, हम भी क्या कर रहे हैं, तुम गुनिया के चक्कर में मत पड़ो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, आप इनके चक्कर में पड़ो, हनुमान जी को पकड़ो, क्या ये गलत है, क्या ये सनातन, क्या ये अंधश्रद्धा है, क्या ये अंधविश्वास है। आगे, हमने कोई भी महाराष्ट्र में कानून का उल्लंघन नहीं किया न हम करेंगे, और आप अपने फैक्ट के अनुसार देख लीजिए, लीगली तौर पर हमें कोई दोहराए या दिक्कत नहीं। इसी में एक बात और जो आप लोगों के काम आएगी, अगर वो कहते भगवान होते या नहीं हमें अनुभव करना है, बागेश्वर बालाजी का 2 दिन दरबार लगा, आप नहीं आए, 7 दिन का दरबार लगा, आप नहीं आए, हमारे पास टाइम रहेगा, हम फिर आएंगे, लेकिन रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है, वेलकम टू यू रायपुर। और जो हमें प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, सीताराम, हमें अपने गुरुदेव पर, पूरी बात बोल रहे, पूरी बात, बिल्कुल बेझिझक, आपको भी आना चाहिए दरबार। 20 और कब लगना है जी? 20 और 21 को, पूरी बात बोल दें, पूरी बात हम क्लियर कर दें, फिर आपसे पूछेंगे। 20 और 21 को यहां दरबार लगना, पहली बात तो आप वहां के दरबार में आएंगे, तो ये न्यूज आज से बंद कर दीजिए कि हम कथा छोड़कर भागे, और जिन जिन ने ये न्यूज डाली है वो सॉरी बोले, क्योंकि हमारी कथा 7 दिन की थी, हमारे पास प्रमाण है, प्रूफ है, 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी, ठीक है। तो हम आपको कहेंगे, श्याम मानव जी आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा वहां आइए। और चौथी बात सुनो, भारत देश में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन बालाजी का नाम बताना या उनके नाम से जोड़ना अंधश्रद्धा है। भारत देश में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन अगर कोई बीमार व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति है, उसे हनुमान जी के नाम से जोड़ दिया जाए, ये अंधश्रद्धा है। इतना दोगलापन आप लोग लाते कहां से, कहां से लाते? हम ये तो कहते नहीं कि हम ईश्वर हैं, हम ये तो कहते नहीं हम भगवान हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हमारे पास कोई चमत्कार है, हमारे पास कुछ भी नहीं, एक साधक के नाते जो हम ध्यान विधि करते हैं, जो हमारे ऊपर गुरु की कृपा है, हम उस गुरु कृपा को ध्यान करके जो प्रेरणा लगती, हम ये नहीं कहते कि हम क्या बता देंगे, हमें जो प्रेरणा लगेगी वो बता देंगे। चौथी बात और, खुला दरबार फिर लगेगा, आपको आना चाहिए, आप पधारें, अनुभव करेंगे, देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, हमें भरोसा है, उसके बाद आप फिर हमारे लिए क्या किसी भी दरबार के लिए नहीं बोलेंगे। और यह साजिशें बहुत चल रही, न्यूज देखने वाले लोगों से भी प्रार्थना करेंगे कि हम तो अपना काम करते रहेंगे, न्यूज बड़ी गंभीरता से देखिए, सनातन को गिराने के लिए, अच्छा एक बागेश्वर सरकार को गिराने के लिए कितने लोग लग गए, कोई दिक्कत नहीं, ये चलते रहना चाहिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बात, अंतिम बात, हम इस बयान के बाद लौटकर उनके विषय में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम विवाद में नहीं फंसना चाहते और उन पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते, हम अपने काम पर टाइम बर्बाद करेंगे, जितना उनको टाइम देंगे उतने में 4 लोगों की अर्जी लगाकर उनकी जिंदगी में खुशियां ला देंगे, ये लोग बोलते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे।